से आप लोगों ने शायद ही देखा होगा लाइव स्नोफॉल। अभी मस्ती करने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से। खराब सा हो गया भाई, वहाँ पे जाना है जहाँ पे अपने बैग निकल चुके हैं और बर्फ पड़ रही है भाई। ये देखो पीछे से काफी ज्यादा बर्फ आ रही है ना सुरेंद्र भाई। और ठंड कैसी लग रही फिर? हाथ लाल लाल से हो गए, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है भाई। ये देखो भाई बर्फ पड़ रही है और अभी पहुंच चुके हम वहीं पे जहाँ पे हम रात को रुके हुए थे। तो वहाँ पे हमने दिन का लंच बनाया हुआ है, उसको खाते हैं और निकलते हैं घर की ओर। भाई बर्फ तो भयंकर वाली पड़ने लग गई यार। वहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम रात को रुके हुए थे, तो लंच कर लेते हैं। यहाँ पे हमने खिचड़ी बना रखी है, तो चलो परोसते हैं और खाते हैं। तो भाई खाना खाते हैं और मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो अपना खाना पीना तो कंप्लीट हो चुका है, बाहर की ओर दिखाते हैं आप लोगों को। स्नोफॉल हो रही है भाई, देखो हाँ भाई, देखो बर्फ कैसी आ रही है। तो लाइव स्नोफॉल आ रहा है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बूंदे। ऐसे आप लोगों ने शायद ही देखा होगा लाइव स्नोफॉल। देखो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को लाइव स्नोफॉल भाई। वाह वाह इस साइड से देखो थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे ठीक सामने सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों चारों तरफ ना काफी अंधेरा हो रखा है, देखो पूरा मौसम पैक हो रखा है। स्नोफॉल तो आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ मैं। पहले से बर्फ गिरी हुई थी और फिर से बर्फबारी हो रही है इसमें, तो ये तो काफी तगड़ा माहौल बन गया भाई। काफ़ी टाइम से बर्फबारी नहीं हो रही थी और हम रुके हुए थे इस वाली हट पे, तो चलो लेके चलते हैं आप लोगों को इस वाली हट के अंदर। भाई बड़े बड़े फोरे आ रहे हैं। यहाँ रुके थे भाई हम रात को और यहाँ पे जल रही हमारी आग और यहाँ पे बैग है। और भाई के चेहरे पे खुशी देखो, मुस्कान। और इन छतों में ना मैं फिर से बर्फ जमने लग गई है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी शाम के 4 बज चुके हैं और ना हमारी यहाँ से घर जाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो चलो भाई हमारे खेल रासल पानी, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो हम कल आ गए थे, कल सुबह आ गए थे और आज शाम को घर पर पहुँचेंगे। तो देखते रहे वीडियो में होता क्या है। बाकी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कुछ बताया नहीं जाएगा। निकलते हैं यहाँ से घर के लिए।
दोस्तों निकलते हैं घर की ओर। काफी ज्यादा ठंड हो रहा है और टाइम भी हो गया भाई, टाइम 5 से 6 बज गए। लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमें घर की ओर। हो गया बिल्कुल ही, जो बर्फबारी हो रही थी वो बंद हो गई। मौसम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, देख सकते ये देखो भाई यहाँ के नाले पूरे जमे हुए हैं। घर जाते जाते अंधेरा भी हो जाएगा और नीचे की ओर जा रहे हैं ना तो इस बर्फ में भयंकर तरीके से फिसल रहे हैं भाई। तो गिरते पड़ते जा रहे हैं घर की ओर क्योंकि बर्फ अभी के टाइम पर ना काफी सॉफ्ट हो रखी है और रात को पाला जमेगा तो काफी वैसे हो जाएगी। तो दोस्तों गिरते पड़ते जा रहे हैं तो चलो भाई जाना तो पड़ेगा ही और हमें ना जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि रात भी आधे जंगल में हो जाएगी। भाई पीछे तो बाघ आ गया, बाघ भागो। लास्ट वाली भाई इन वादियों को देख लो, अब निकल रहे हैं हम घर की ओर। हमारे गांव रहा ठीक वहां पे उस भी वैली वाली घाटी पे। भाई दोस्तों मेरे गांव के साइड से देखो तगड़ी वाली बर्फ होगी या बारिश होगी भाई, आज तो हम यही भीगने वाले हैं। भाई दोस्तों बर्फबारी ना यहीं पे होने लग गई है, जो मैं अपने गांव बता रहा था बर्फबारी यहाँ तक पहुंच गई भाई। ठंड ना काफी ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं पूरा पैक हो रखा हूँ। और भाई की उंगली देखो यार पूरी कट चुकी है। तो ऊपर एक चट्टान है उससे नीचे आ रहे थे हम। तो भाई दोस्तों पूरा अंधेरा हो चुका है, अभी रात के 8 बज चुके हैं भाई, अभी तक हम घर नहीं पहुंचे। घर वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। ये देखो चारों तरफ अंधेरा हो रखा है, हुआ है वही तक दिख रहा है, उससे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ना हम जंगल से आ रहे थे भाई, डरावनी सी आवाज आ रही थी। तो जंगलों में तो डर का माहौल तो बने ही रहता है और अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। तो अभी पहुंच चुके हम अपने गांव के जस्ट ऊपर पे। तो मेरा गांव 1-2 किलोमीटर दूर होगा। तो भाई चलो चलते हैं, टाइम से घर जाते हैं, घर वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे यार। क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं दिवाकर विष्ट मिलता हूँ आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बाय बाय।